हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू दस ये विजय सारडा मैं आज आपके साथ में लाया हूँ केस स्टडी नंबर एट इंटरनेशनल टैक्स पेपर सिक्स सी और जैसा कि हमने कहा था कि ये पे ये केस स्टडीज़ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं एक बार आप लोगों ने इंटरनेशनल टैक्स पेपर सिक्स सी लिया होगा तो आप लोग ये केस स्टडी खुद भी सॉल्व कर लेंगे मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि किस किस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है कैसे देखना है कुछ बातें मैं फटाफट रिपीट कर लेता हूँ पहली चीज़

सो so, बहुत ध्यान से आपको केस स्टडी सबसे पहले पढ़नी होगी केस स्टडी पढ़ते वक्त आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है एक एक डिटेल जो आपको दिया हुआ है एग्जिबिट्स देखेगा दैट इज एनेक्सचर एग्जिबिट्स देखेगा अगर कुछ दिख रहा है तो और उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को हाथ लगाइएगा एमसीक्यू आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं आपको देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू का डेप्थ कैसा है क्योंकि जब भी आईसीआई एमसीक्यू पूछेगा बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे हालांकि ये जो केस स्टडी है ये केस स्टडी आपको एम में भी मिल सकती है ये केस स्टडी वो केस स्टडी है जो हमने आईसी आई से ली हुई है सो so, ये केस स्टडी आपको कैसे सॉल्व करनी है उसको देख लेते हैं आइए आज की केस स्टडी बात करते हैं केस स्टडी नंबर एट के ऊपर ठीक है हम लोग सबसे पहले पूरी केस स्टडीज को पढ़ेंगे और आपके पास अगर मेरी बुक होगी इंटरनेशनल टैक्स की तो आप उसके अंदर में ये देख सकते हैं और इस केस स्टडी के थ्रू जा सकते हैं पेपर सिक्स सी की जो केस स्टडी है

द कंपनी ऑपरेट्स एसिडेड यूनिट एज वेल एज सर्वल डी टी ए यूनिट मतलब कंपनी टेन डब्ल्यू का भी बेनिफिट ले रही होगी ये बात आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि ये डी टी डब्ल का भी बेनिफिट एट द सेम टाइम क्लेम कर रही होगी राइट टीसीएल फ्लैगशिप कंपनी फ्लैगशिप कंपनी मतलब मेन ग्रुप है एंड द ग्रुप हैज फॉरन सब्सिडी मतलब ये कंपनी की फॉरन सब्सिडी भी है इंडियन तो है ही ये कंपनी इंडियन है और इसकी फॉरन सब्सिडीज भी है मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि इसके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो सकते हैं डी इनकॉर्पोरेशन ठीक है यू आर द सी एफ ओ विथ सी ए बैकग्राउंड हैंडलिंग ऑल टैक्सेशन मैटर्स ठीक है तो हम लोग को कौन बताया गया है कंपनी के सी ए हम लोग और कंपनी के टैक्सेशन मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे द करंट डेट इज ट्वेंटी मतलब तीन दिन बाकी है बोर्ड मीटिंग को इन दिस मीटिंग सम इमोर्टेंट डिस्कशन जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ डिस्कशन होने वाले हैं सम ऑफ देम हैविंग रेपरकेशन एसोसिएटेड इंडियन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन जो लिए जाएंगे उसका इंडियन टैक्सेशन एंड फॉरन टैक्सेशन पे क्या होने वाला है इंपैक्ट होने वाला है ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बता रहे हैं कि टीसीएल क्या करता है टीसीएल सप्लाई गुड्स टू शाइन लिमिटेड इन श्रीलंका ओके okay, तो सबसे पहले टीसीएल शाइन लिमिटेड श्रीलंका में टीसीएल को देता है श्रीलंका में तो पहला जो हमारा दिमाग दौड़ना चाहिए क्या इन दोनों के बीच में वो रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का अगर ऐसा है तो ट्रांसफरप्राइजिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी ठीक है द पेडअप कैपिटल ऑफ एस एल एस एल श्रीलंका इन आई एन आर इक्वेल टू फिफ्टी करोड़ रुपीज ठीक है द टीसीएल होल्ड इन ट्यून ऑफ फोर्टीन करोड़ इन द सेम अच्छा जी एस एल का पेड अप कैपिटल कितना है करोड़ का है जिसमें से चौदह करोड़ कौन हेल्ड करता है टीसीएल हेल्ड करता है क्या लगता है आपको शेयर कैपिटल की डिटेल क्यों दी होगी ऑब्वियस सी बात है शेयर कैपिटल की डिटेल आपको इसलिए दी होगी क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया ट्वेंटी सिक्स परसेंट का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें वो देखना होगा तो तुरंत देख लेते हैं क्या 26% परसेंट का क्राइटेरिया मैच करता है कैसे देखेंगे 14 करोड़ का कैपिटल है ध्यान से सुनना 14 करोड़ का कैपिटल है आपका जिस आउट ऑफ 50 करोड़ टू द ट्यून ऑफ 28% परसेंट होल्डिंग आता है आप चेक करके देख लीजिए टू द ट्यून ऑफ आता है परसेंट आ जाता है और हमारे 92 के अंदर में लिखा है कि दोनों कौन बन गए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए यहाँ पे आप लोगों ने लिख कर रख देना है यहाँ तक का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है टीसीएल सप्लाई ग्रुड्स टू सॉलिड लिमिटेड इन सिंगापुर टीसीएल जी एस एल को भी देता है द दैपिटल ऑफ जी एस एल इन आई एन आर इज एटीन एंड होल्ड एटीन अगेन चेक करेंगे हम लोग एटीन करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं 18 करोड़ आप होल्डिंग रखते हैं आउट ऑफ द टोटल फिफ्टी करोड़ सो एटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टी थर्टी सिक्स परसेंट एक मिनट मैंने कुछ गलत किया यहां पे एटी करोड़ होना चाहिए अगेन हमने फिफ्टी कर लिया एटीन डिवाइडेड बाय एटी परसेंटेज दिस कम्स टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सो यहां क्लियर है कि ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है कौन कौन टी सी एल एंड जी एस एल सो टी सी एल एंड जी एस एल

सो डी इनकॉरपोरेशन इज करंटली अ रॉयल्टी ऑफ टू मिलियन डॉलर पर एनम टू टीसीएल फॉर सप्लाई ऑफ देयर नो हाउ मतलब टीसीएल टीसीएल क्या करता है टीसीएल अपना नो हाउस अप्लाई करता है किसको अपना वो नो हाउस अप्लाई कर रहा है टीसीएल अपना नो हाउस सप्लाई कर रहा है डी uh, इनकॉरपोरेशन को सो टी सी एल प्रोवाइड कर रहा है किसको डी इन को नो हाउ प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है और नो हाउ के बदले में इसको क्या मिल रहा है रॉयल्टी मिल रहा है जिसके तहत हम एक और चीज कह सकते हैं ये दोनों भी कौन हो गए असोसिएटेड एंटरप्राइजेस सो so, अब तक अगर तीन इनकॉरपोरेशन की बात करूं जो यहां पे दी हुई है टीसीएल और एस एल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस टीसीएल और जीएसएल नहीं है बट डी इनकॉर्पोरेशन एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्योंकि नाइनटी टू ए की अगर हम बात करें तो अगर कोई नोहाउ प्रोवाइड कर रहा है किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को तो यस वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाता है सो फॉर सिमिलर सप्लाई ऑफ नोहाउ टू एपिस एप्सिलॉन एल एल सी a wholly owned government company in Japan. PCL receives an annual royalty of थ्री million USD dollars. तो यहाँ पे हमें एक और चीज बताई गई है यहाँ पे भी अगेन कप मेथड का हिंट दिया हुआ है कि हम एक और कंपनी जो जापान के अंदर में गवर्नमेंट ओन कंपनी एप्सिलॉन हम उसको भी सेम नोहा प्रोवाइड करते हैं बट वो हमें थ्री मिलियन डॉलर देता है जबकि हमें हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से टू मिलियन डॉलर रिसीव हुए हैं इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि आपने अपनी इनकम कम शो करी होगी कितने से बाय वन मिलियन यूएसडी डॉलर से अपनी इनकम कम शो करी होगी और इसीलिए टीपी प्रोविजन सप्लाई की जा सकती है सो so, मोटा मोटी तौर पे यहां तक के तो अभी तक प्रॉब्लम ट्रांसफर प्राइसिंग का दिख रहा है केस एट अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है और मैक्सिमम केस स्टडी आप पता करके चल लीजिए आप देख लीजिए आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से ही मिलने वाली है या फिर ट्रिटीज से मिलेगी मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है फॉर जुलाई ट्वेंटी एंड नवंबर ट्वेंटी ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट सेल्स डेटा जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है हम कौन टीसीएल जो हमने एक्सपोर्ट्स किया है उसके कुछ डेटा दे रहे हैं एक्सपोर्ट सेल्स आर मेड फ्रॉम एस टीसीएल जो एक्सपोर्ट हुआ है वो टीसीएल से हुआ है मतलब टेन डबल ए का बेनिफिट टीसीएल जरूर क्लेम करता होगा एसीजेड यूनिट वाला द मैनेजर ऑफ एक्सपोर्ट हैज द फॉलोइंग डेटा परटेनिंग टू एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ आइडेंटिकल गुड्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ठीक है टीसीएल ने एस को दिया टीसीएल ने SL को दिया एट लाख क्वांटिटी एट लाख मेट्रिक टन जिसका सीआईएफ रेट लगाया ग्यारह हजार आठ सौ वही जीएसएल को दिया बारह हजार रुपए में एक बात यहां पे समझने लायक ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है और ये नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो क्लियर कट यहां पे दिख रहा है दो सौ रुपए जो चार्ज किए ये कम चार्ज किए हैं सो टू हंड्रेड कम चार्ज किया गया है किससे अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से यानी दो रुपए का डिफरेंस यहां पे क्लियर कट दिख रहा है पर मेट्रिक टन के पीछे ठीक है एक्स वाई इनकॉर्पोरेशन को 3 लाख दिए गए हैं जबकि ए बी एल एल सी को 2 लाख दिए गए हैं गुड्स एट दी फॉलोइंग प्राइस इलेवन एंड इलेवन एक्स वाई एंड एबीसी आर अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज लोकेटेड इन नॉन जूरिस्डिक्सनल एरिया ओहो हो हो यहाँ पे एन जे ए की भी बात आ गई नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया 94 ए के तहत डील कर रहे हैं नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया मतलब ऐसा एरिया नॉन मतलब ऐसा एरिया जो हमारे साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया से अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो वो जो थ्री या वन का आपको टॉलरेंस uh, रेशो रहता है वो टॉलरेंस रेशो आपको मिलने वाला नहीं है एट द सेम टाइम अगर आप कोई भी पार्टी जो एन जे ए में वर्क कर रही है उसके साथ डीलिंग कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं आप डीम्ड असोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाते हो आप स्ट्रेट अवे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है और आप लोग के बीच का रिश्ता असोसिएटेड एंटरप्राइजेस का रिश्ता होता है एट द सेम टाइम आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा मतलब क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि तीन कैलकुलेशंस में आएंगे तीन डिफरेंसेस तीन कंपनी के ऐड होंगे क्योंकि यहां पे क्लियर कट दिया हुआ है एक्स वाई इनकॉर्पोरेशन एंड एबीसीएलसी क्या है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बाय डिफॉल्ट में माने जाएंगे बिकॉज दे आर लोकेटेड इन एनजे कुछ रॉयल्टी रिसीट्स की जो उसको हो रही है अब कुछ बात करते इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या यस yes, हमें एक्सटर्नल बोरइंग से भी इम्पैक्ट पड़ता है क्यों क्योंकि नाइनटी ए में लिखा है कि अगर बोरिंग आपकी होती है एक लिमिट के ऊपर तो भी आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माने जाएंगे 92 ए के क्राइटेरिया में तो आइए पढ़ते हैं टीसीएल हैज बोरोड 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 हैज बोरोड हमने लिया है हैज बोरोड अ सम इक्विवेलेंट टू 200 करोड़ फ्रॉम डेनुबेस इनकॉर्पोरेशन दुबई ओके on 12th April on this date the asset proportion of TCL was as under उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू आपको ये दो चीजें दी हुई है ठीक है तो आपको इसकी मार्केट वैल्यू भी दी हुई है आपको इसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है दोनों को हम कंसिडर करके चलते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट परसेंट एंड टीसीएल इंटरेस्ट ऑफ सिक्सटीन करोड़ फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च दो द नॉर्मल लेंडिंग रेट इज सेवन परसेंट टू अदर एंटिटीज ओ हो हो ये देखो इंस्टीट्यूट ने आपको यहां पे घुमाने की कोशिश की है और अगर किसी के पास यहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा ना मेरे भाई वो कंफर्म यहां पे गिर जाएगा कंफर्म गिर पड़ जाएगा क्योंकि उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज अगर नहीं रहा क्या करने की कोशिश की है देखो आपको घुमाने की कोशिश की है सबसे पहले बोला है कि आपकी बोरिंग है टू करोड़ रुपीज ठीक है आपको घुमाने की कोशिश की है यहां मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू बच्चा यहां पर घूमता रहेगा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ के कितने प्रपोर्शन में वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था बहरहाल ये एसोसिएटेड जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है एट परसेंट के हिसाब से आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है एट परसेंट के हिसाब से जबकि आर्म लेंथ इंटरेस्ट है सेवन परसेंट लेंथ इंटरेस्ट कैसा है बेटा सेवन परसेंट आपको दिया हुआ है ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज किया है एट परसेंट के हिसाब से अब अगर आप सेवन परसेंट करेंगे मान लो टीपी आर्म्स लेंथ लेकर के आप चार्ज करेंगे तो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर जो क्लेम किया होगा वो एट परसेंट के हिसाब से किया होगा हाँ या ना हाँ अब आप क्या करोगे इसे अगर सेवन परसेंट कर दोगे तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और अगर आपको सेक्शन का प्रोविजन अगर याद होगा 92 चार्जिंग सेक्शन अगर आपको याद गए तो कहता है अगर ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन लगाने से अगर ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन लगाने से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है या लॉस एक्सीड करता है आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है या है या लॉस करता तो ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन नहीं है तो ट्रांसफर प्राइजिंग प्रोविजन नहीं है और इंस्टीट्यूट ने आपको यहां घुमाने की कोशिश की है इंस्टीट्यूट आपको यहां पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड नहीं है इंस्टीट्यूट यहां पे यह देखने में इंटरेस्टेड है कि क्या तुम यह एक छोटा सा हिंट पकड़ पाओगे कि नहीं बहुत छोटा सा हिंट है और मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता आपको एप्लीकेशन करना चार्ज किया होगा जैसा कि ये कह रहा है आठ परसेंट के हिसाब से सोलह करोड़ रुपए चार्ज किया होगा सात परसेंट के अगर हिसाब से तुम करोगे तो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे इनकम बढ़ जाएगी और सर आपके प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या पड़ने वाला है फर्क पड़ने वाला है इस बात को ध्यान रखिएगा तो आपको देखना है कि कहीं प्रॉफिट तो कम नहीं हो रहा या लॉस इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं आंसर लिखना पड़ेगा यह बात ध्यान रखिएगा इन ल्यू ऑफ फॉलोइंग आंसर अगर आपने देखा होगा इसके पहले की जो केस स्टडीज थी ये बहुत बड़ी बड़ी थी ये जो केस स्टडी है ये रीसेंट न्यू केस स्टडीज है जो एम वगैरह में दी हुई है मॉड्यूल ने इंस्टीट्यूट ने और वो हम लोगों ने कंसिडर किया है रिलेटिवली अब जो केस स्टडीज आती है वो छोटी छोटी आती है पहले पचास मार्क की केस स्टडी आती थी अब पच्चीस मार्क की केस स्टडीज आती है लेकिन कॉन्सेप्ट पांच छह मिला के पूछे जाते हैं सो आइए क्वेश्चन डील करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इस पे जाने से पहले मैं आगे जाके देख लेता हूं कहीं कुछ एग्जिबिट तो नहीं दिया है जैसा कि पुरानी केस स्टडीज में दिया होता था नो no, इसमें कोई एग्जिबिट नहीं है और यहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है मतलब हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ डील करना है ठीक है स्टेट विध रीजन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिए कहां से चालू हो रहा है क्वेश्चन चालू हो रहा है स्टेट विद द रीजन करेक्टनेस और नॉट मतलब आपका आंसर हमेशा स्टार्ट होना चाहिए वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट यहां पे आपका आंसर इस तरीके से चालू होना चाहिए आगे बढ़ते हैं एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट वो स्टॉप जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कई बार इंस्टीट्यूट आपको फालतू घुमाने की कोशिश करती है आप पूरे ऊपर से नीचे तक के आपने केस स्टडी पढ़ा हर जगह या तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या कप मेथड के बारे में बात कही गई थी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का एक छोटा सा हिंट भी नहीं दिया था लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर दिया है तो द तो मूवमेंट आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट ढूंढना की कहां है कैसे ढूंढ सकते हैं आप, आप बहुत ईजीली ढूंढ सकते हैं आप अगर मेरा

हम गए यहां पे एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट के ऊपर ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर मैंने ओपन किया बाई डिफॉल्ट में अज्यूम कर रहा हूं कि आपने भी अब तक ओपन कर दिया होगा एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट और इसके इफेक्ट के ऊपर बात चल रही है नाइनटी टू सीसी एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट मैंने अब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा पर मैंने हेडिंग देख करके फटाफट वहां पे पहुंच गया हूं ठीक है अब मैं बात करता हूं कि क्या क्वेश्चन है

आप अगर ये रूल देखने जाएं जो हमने बुक के अंदर में लिखा है रूल टेन एफ टू टेन टी इसमें आपको टेन क्यू सर्च करना पड़ेगा वहां पर रिविजन लिखा होगा और मैंने बहुत ईजिली आपको साइड में इसका हेडिंग भी दे करके रखा है ये देखिए यहां दिख रहा है रूल टेन क्यू रिविजन ऑफ ए पी ए इस हेडिंग से ही आपको यहां आ जाना है अब डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको इतना पार्ट यहां पर रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा इतना पार्ट आप रिप्रोड्यूस करेंगे आंसर के अंदर में ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अगर मार्क्स कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर वाला पार्ट लिखो अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो ये पूरा रूल टेन क्यू आपको क्या करना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूं रूल टेन क्यू क्या बोलता है कि रिवीजन हो सकता है क्या हाँ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का रिवीजन हो सकता है कौन कर सकता है सर दोनों कर सकते हैं स्यूमोटो भी हो सकता है सर स्यूमोटो कौन करेगा इसको करते हैं सर डीजीआईटी इंटरनेशनल टैक्स डीजीआईटी जो इंटरनेशनल टैक्स के होते हैं वो इसे रिवाइज करते हैं एंड साथ साथ में असि अगर एप्लीकेशन देता है तो भी रिवाइज हो सकता है रिविजन वाला क्लॉज क्यों आया था मैंने क्लास में इसके पीछे की हिस्ट्री बताई थी मैं फिर एक बार बता देता हूँ क्योंकि कई बार जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं या इंटरनेशनली कोई टैक्स लॉस चेंज होते हैं तो एक क्लॉज रिविजन का इसमें होना चाहिए और हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स अगर आप ओईसीडी की गाइडलाइंस देखेंगे हर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या कर सकता है रिविजन कर सकता है और इसी के तहत क्या अग्रीमेंट रिवाइज हो सकता है ये yes. कौन कर सकता है डिपार्टमेंट भी कर सकता है एज वेल एज एस भी कर सकता है अब क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखते हैं एन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर सही है या गलत है पूरा गलत है द स्टेटमेंट इज इन करेक्ट क्यों क्योंकि इसे सीबीडीटी भी कर सकता है दैट इज डिपार्टमेंट सीबीडीटी भी कर सकता है और एस भी कर सकता है राइट right? आइए प्रोविजन पढ़ लेते हैं टेन क्यू पे और फिर देखेंगे द अग्रीमेंट कैन बी रिवाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन देखिए मैं आपको बता रहा था क्यों कब कब चेंज हो सकता है पहला दर इज अ चेंज इन क्रिटिकल अजम्पन और फेलियर टू मीट अ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अग्रीमेंट में या ट्रांसफर प्राइजिंग अग्रीमेंट्स के अंदर में या स्पेसिफिकली एपीए के अंदर में जिसके हम बात कर रहे हैं ठीक है अगर कोई कंडीशन थी जिसके बेस पे अग्रीमेंट बना था या कोई क्रिटिकल जो हमने एपीए कैलकुलेट करने के लिए लिया था वो चेंज होता है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं सेकंड इज अ चेंज इन लॉ जैसा कि कि मैंने अभी कहा कि अगर इंटरनेशनली चेंज होता है जैसे कि मैं आपको बताऊं ओई इंडिया अब मल्टी लेवल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर चुका है साइन कर चुका है ओई के तहत जब भी कोई चेंज होता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जितने अग्रीमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इसी के तहत क्या किया जा रहा है आपका चेंज uh, हो सकता है रिवाइज हो सकता है देर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी इन द अदर कंट्री अदर कंट्री की कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी आपसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करती है कि आपको ये जो अग्रीमेंट है इसे क्या कर देना है रिवाइज कर देना है तो आप ये कर लेंगे एंड अग्रीमेंट में भी रिवाइज ये इस लाइन के ऊपर ये पूरा

और दी डी जी आई टी इंटरनेशनल टैक्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन गिवन एज पर रूल टेन क्यू सो माइंड भी यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क्स कम रहे होंगे इसीलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया बट अगर मार्क्स ज्यादा होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा आप पूरा का पूरा मैंने नोट उठा करके वहां पे डाल सकते हैं फिलहाल जो बच्चे मेरे साथ क्लास किए हैं देख रहे हैं लिख दीजिए पेज नंबर फाइव जहां पे इसका आंसर लिखा है राइट मैंने आपको ये चीज करनी सिखाई थी ताकि आप ऐसा कोई केस स्टडी डायरेक्ट आ जाती है तो आप उसको कर सके आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अंडर रूल टेन एम ए अंडर रूल टेन एम ए टू टेन एम ए अगेन बात करता है किसकी एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट की ठीक है तो आप देख सकते हैं केस स्टडी का और क्वेश्चन का कहीं दूर दूर तक के लेन देन नहीं है तो मैं जैसा कि हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टैक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं।, नहीं है केस स्टडी से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिकली अंडर टेन एम ए अगर आप यू you नो know, बच्चे मुझे कहते दो हजार उन्नीस दो हजार अठारह की भी केस स्टडीज बहुत हार्ड आई है मैं उन बच्चों को कहता हूं कि अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ट पूछा है हाँ, घुमाने की बहुत कोशिश की है अगर आप यहां देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको घुमाने की बहुत कोशिश की गई है समझ में आ रही बात आपको घुमाने की अच्छी खासी कोशिश की गई है लेकिन क्वेश्चन आपसे बहुत डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी केस स्टडीज सो लेट्स चेक अंडर टेन एम ए

सर्कुलर नंबर टेन टू थाउजेंड फिफ्टीन आप में से कई लोगों ने क्लास में जो लाइव क्लासेस में थे मुझसे पूछा भी था कि सर हम 2019-20 के अंदर में 2015 का सर्कुलर क्यों पढ़ रहे हैं मैंने आपको कहा था कि ये से रिलेटेड है है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट ने इशू करी है, और मैंने जान के नॉलेज के लिए इसे इंक्लूड किया हुआ है आई डोंट नो कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी दिए थे कि सर हम कोई पर्टिकुलर बुक रेफर कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है मैंने उन्हें बोला था बेटा पढ़ के रखो क्योंकि मैंने एक स्टडी ऑलरेडी पढ़ी थी मैंने देखा था इंस्टीट्यूट ऐसी हर चीज को पूछ रहा है राइट और वो चाहता है आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज अब मैं आपको बताता हूं कहाक्यूलर का है है ये पहला क्वेश्चन उसी circular का मैं दिखाता हूं आपको अगर आप जाएंगे रोल बैक प्रोविजन यहां पे हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 5.23 से और आप यहां पे सर्कुलर नंबर 10 2015 देखोगे तो सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा करके वहां रख दिया एफ ए था जो इंस्टीट्यूट यू नो जो सीबीटीटी से पूछा गया था और यही एफ आपके सी फाइनल डायरेक्ट टैक्स में आ गया मतलब इंस्टीट्यूट आपसे वो लेवल वो डेप्थ वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है जो प्रैक्टिस में काम आए वही क्वेश्चन है एज इट इज आप देख लीजिए पढ़ लीजिए मेरे साथ ये सर्कुलर हमने डाला था दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन दिस इज अ कंडीशन दैट रिटर्न ऑफ इनकम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब भी हम लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर रहे होते हैं या रोल बैक कर रहे होते हैं तो रोल बैक का हमें क्या करना पड़ता है रिटर्न भरना पड़ता है उन हर सालों का जिस सालों का हम रोल बैक अप्लाई कर रहे हैं उन सालों का रिटर्न हमें भरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड रिटर्न दूसरी बात ये मॉडिफाइड रिटर्न जो हमें भरने होते हैं या जो ये रिटर्न हमें भरने होते हैं ये वन थर्टी नाइन वन के ड्यूडेट में भरने होते हैं मतलब रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड ऑन टाइम जिसका अनादर मीनिंग है इट शुड नॉट बी अ अटेड रिटर्न

एक लेटर रिटर्न है तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है अब दूसरे सवाल किया गया हो या 139.4 के क्लोजेज में फाइल किया गया हो हालांकि स्पेसिफिकली अगर हम एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट की बात करें तो ये yes, इसका जो रिटर्न है ये के अंदर ही होना चाहिए सो so, अगर रिवाइज रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये yes, आपको क्या करना होगा रोल बैक अलाउड होगा पर अगर उस साल का रिटर्न बी लेटर रिटर्न होगा तो उस साल का रोल बैक आपको अलाउड नहीं होगा ये इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है और अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो ये शॉर्ट में हमने करके दिया था इस पूरे क्वेश्चन का शॉर्टकट हमने यहाँ पे बना के दिया था रिवाइज रिटर्न है रोल बैक पॉसिबल है बी लेटर रिटर्न था उस साल का जिस साल का हम रोल बैक चाह रहे हैं तो फिर रोल बैक पॉसिबल नहीं है अब क्वेश्चन यहाँ आके पूछ लेते हैं यहाँ आके अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको हर साल के मॉडिफाइड रिटर्न भरने हैं बट रिटर्न अगर 1394 थर्टी फोर में हुआ होगा तो क्या और 1395 थर्टी फाइव में हुआ होगा तो क्या आंसर पार्टली करेक्ट होगा फोर का अलाउड नहीं होगा 5 का अलाउड होगा बी द स्टेटमेंट इज पार्टली करेक्ट इफ द रिटर्न इज फाइल्ड अंडर वन थर्टी अंडर फोर एक्ट रिप्लेस इज दिनल रिटर्न फाइल अंडर वन थर्टीर इज द रिटर्न ज फाइल्ड अंडर वन थर्टी नाइन फाइव यानी बात कर रहे हैं हम रिवाइज रिटर्न की टू रिवाइज द ओरिजिनल रिटर्न फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द एक्सप्लेनेशन टू ऑफी नाइन वन द एप्लीकेट वुड बी एंटाइटल टू द रोल बैक प्रोविजन हाउ एवर रोल बैक प्रोविजन विल नॉट विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड अंडर वन थर्टी नाइन फोर बिकॉज इट इज अ रिटर्न विच इज नॉट फाइल बिफोर द ड्यू डेट आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं मेरे अब इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं जो बीलेटेड है पर रोल बैक नहीं हो पाएगा इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा फर्दर इफ अ रिटर्न इज Filed under which is revised in मैंने असैसमेंट प्रोसीजर्स के भी रिविजन डाले हुए हैं असेसमेंट प्रोसीजर के रिविजन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वहां पे देख सकते हैं पीजीबीपी के भी रिविजन डाले हुए हैं आप देख सकते हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल टैक्स का तो वो भी आप लोग जरूर देख लेना क्योंकि आपको इतनी ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगने वाली है यस एंड बिलीव मी देर इज नो शॉर्टकट जब आप लॉ पढ़ते रहते हैं तो इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं हो सकते कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आपको शॉर्टकट बताए जा सकते हैं लेकिन लॉ में शॉर्टकट्स नहीं हो सकते अस कम्स टू थर्ड क्वेश्चन वेयर द टोटल इनकम ऑफ टी एलसी इज कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन जे बी ओ देखिए केस स्टडी में कहीं पे भी मैट के बारे में एक सवाल तक के नहीं किया गया था और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैट पे पूछा जा रहा है मतलब एओ बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता है सो वेयर द टोटल इनकम ऑफ टीएलसी कंप्यूटेड द प्रोविजन ऑफ 115 जेबी देन एडजस्टमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विल नॉट इंपैक्ट वेल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट वो कह रहे हैं कि जब AO बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैट ट्रांसफर प्राइसिंग में जो एडजस्टमेंट हुई है वो कोई भी एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में वो नहीं करेगा अज्यूम टीएलसी इज अंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिसाइम्स में अगर institute से पूछेगा तो ये Indian accounting standard को replace करके IFRS डाल देगा या इंडिया word को use कर लेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ.

जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो जब आप क्या कंप्यूट करते रहते हो बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहते हो आप सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट कर पाओगे जितना एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टी जेबी में दिया हो मतलब ओनली रेलेवेंट चीजें जो बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए दिया गया है आपको वही एज्यूम करना होता है इसके अलावा आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती इस बारे में हमने एक और केस लॉ भी पढ़ा था अपोलो टायर्स का जो कहता था ओनली स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स कैन बी मेड नो न्यू एडजस्टमेंट कैन बी प्रोपोज बाय एओ तो सवाल ये है कि क्या मैट के कोई भी एडजस्टमेंट्स उन एडिशन कट मीनिंग है कि यस yes, अगर एओ 115 जेबी का कैलकुलेशन कर रहा है तो ट्रांसफॉरप्राइजिंग की कोई एडजस्टमेंट उसको करने की जरूरत नहीं है तो ये मिक्सचर था किसका 92 टू ट्रांसफॉर का प्लस 115 जेबी का दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था

मैट के प्रोविजन में 115 जेबी में कहीं पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट्स है ही नहीं ये दोनों सेपरेट कोड है मैट ऑल टूगेदर सेपरेट कोड है तो वो इसके अंदर में आता नहीं चलिए आंसर देख लेते हैं मेरा जवाब इनकरेक्ट uh, मेरा जवाब करेक्ट के ऊपर है आइए वर्ड पढ़ते हैं पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट फॉर लेव मिनिमम अल्टरनेट टैक्स द प्रोफिट शोन इन दॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद्रीज और डिक्रीज ओनली बाई दिन एंड डिडक्शन स्पेसिफाइड इन एक्सप्लेनेशन वन टू सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन जेबी हम सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट कर पाएंगे जितने हंड्रेड एंड फिफ्टीन जेबी में कहे गए होंगे

So, हमने क्वेश्चन नंबर वन को डील कर लिया है क्वेश्चन नंबर वन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया तीन क्वेश्चन थे इसके अंदर में हमने कर लिया कंप्लीट उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और कुछ कुछ चीजें याद भी आ रही होगी चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की पहले आप क्वेश्चन नंबर टू फटाफट पढ़ लीजिए क्या देखा सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट टू नो द इनकम लाइकली टू बी कंप्यूटेड बाई ए नोट ऑफ एडजस्टमेंट अंडर टीपी जैसे कि मुझे उम्मीद थी एक क्वेश्चन ये जरूर देंगे TP calculate करने के लिए। करोड़। तो वो क्या कह रहे हैं थर्टी टू पॉइंट टू करोड़ आपके प्रॉफिट्स है विदाउट एडजस्टिंग एनी थिंग विदाउट एडजस्टिंग एनी थिंग ठीक है सर अज्यूम दैट देर इज नो अज्यूम दैट देर इज नो ट्रांसफर प्राइजिंग अग्रीमेंट एंड टीएलसी हैज ऑप्टेड नॉट टू सब्जेक्ट टू सेफ हार्बर तो टीएलसी ने सेफ हार्बर के अंदर में नहीं जा रहा है और आपने कोई एडवांस प्राइजिंग अग्रीमेंट नहीं लिया है सादे सिंपल तरीके से आपको टीपी कंप्यूट करने बोला है बस इतना ही है घबरा मत जाना आपसे बड़े सिंपल तरीके से पूछा गया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग निकालो अज्यूम कर लो हमने ना कोई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लिया है ना कोई सेफ हार्बर लिया है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजैक्शन ओ ओ क्वेश्चन के दो पार्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हर वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको एग्जामिन करना है ट्रांजैक्शन क्या-क्या हुए पीछे एक बोरिंग का ट्रांजैक्शन हुआ पीछे एक

कई बार बोल चुका हूं फिर एक बार बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे नॉलेज देना है जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे चार पार्ट में सॉल्व करना है जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे चार पार्ट में सॉल्व करना है पार्ट नंबर वन जब भी टीपी का क्वेश्चन आए आपको इसे चार पार्ट में सॉल्व करना है पॉइंट नंबर वन पहला आपको रिश्ते समझाने होंगे मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं सभी बच्चों को पता होगा हमने सबसे पहले जब टीपी का चार्ट भी पढ़ा था तो पहली चीज इन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होता है तो पहला एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या नहीं है दूसरा आपको मेथड बतानी होगी कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं तीसरा उन्हें कैलकुलेट करके देना होगा कि टीपी कैसे आएगा और चौथा एक फाइनल कुछ अजम्पन या अदर चीजें आपने ली होगी तो उसके ऊपर नोट देनी होगी मैं रिपीट कर दूं चार चीजें आपकी टीपी के आंसर में आनी चाहिए अगर आपको टीपी के पूरे आंसर करेक्ट चाहिए तो तो पहली चीज आपको क्या करना होगा साहब आपको उन दोनों के बीच का रिश्ता एक्सप्लेन करना होगा दूसरा आपको उनकी मेथड बतानी होगी तीसरा आपको टीपी कंप्यूट करके देना होगा और चौथा आपको क्या करना होगा कोई नोट या एडजस्टमेंट होगी तो आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी ठीक है ध्यान से सुनते हैं मैं एक बार क्वेश्चन पे वापस जाना चाहूंगा ताकि आप लोग को कोई क्लैरिटी आ जाए कौन कौन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे सबसे पहले याद होगा तो टीसीएल एंड एस एल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस थे मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे इनका कैलकुलेशन जरूर आएगा इनके कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिया हुआ था अगर जीएसएल एक नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो इसका जो प्राइस है यही हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस ले लेते हैं और यही कप मेथड के अंदर में हम लोग क्या कर लेते हैं कंसिडर भी कर लेते हैं ठीक so, है सो अगर ग्यारह हजार आठ सौ देखा जाए तो कितना एडिशन होना चाहिए एट लाख इन टू हंड्रेड का एडिशन आएगा दैट इज सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज इन लैक्स सिक्सटीन हंड्रेड लैक्स का एडिशन यहां होगा साथ ही साथ में अगर मैं यहां बात करूं एक्सेल और एबीसी सिंस ये लोग एनजे के अंदर में है एनजे के ए के अंदर में जिस भी पार्टी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं ये ट्रांजेक्शन को हम लोग मानते हैं कि आपने एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है विध एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किया है एंड यस yes, यहां पे सौ रुपए के हिसाब से आएगा क्योंकि बारह हजार का था आपने ग्यारह नौ सौ में किया है तो यहां पे अगेन आपको तीन सौ लैक्स रुपीस का एडजस्टमेंट यहां पे दिखेगा यहां पे 700 मतलब अगेन यहां पे 300 टोटल तो 600 का एडजस्टमेंट यहां दिखेगा 1600 सो प्लस छ सौ प्लस तीन सौ पच्चीस रुपए का एडिशन आपको यहां पे टू थाउजेंड का एडिशन आपको स्ट्रेट अवे यहां पे देखने को मिल सकता है इतना इजी है ये काम कुछ भी नहीं है इसके अंदर में कुछ भी नहीं है इसके अंदर में ये एडिशन आपके स्ट्रेट अवे होंगे ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ये होने वाला है मैं अभी रॉयल्टी रिसीट्स के ऊपर बात नहीं किया हूं मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर बात किया हूं तो पहला आंसर्स जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको इनके रिश्ते बताने होंगे रिश्ते बताते वक्त आपको बताना होगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन इसके अंदर में कंसिडर किया जाएगा एंड इसके अंदर में कैसे एडजस्टमेंट होंगे आंसर्स चालू करते हैं एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वेयर टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटर इंटू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट अरेन्जमेंट शेल बी कंप्यूटेडिंग है टीपी का चार्जिंग सेक्शन टू दैट आर टू बीसिडर्ड सबसे पहले सेल्स दूसरा रॉयल्टी और तीसरा इंटरेस्ट यह तीन ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है एक्सप्लॉइड करना है सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की एक्सपोर्ट जो हमने किया क्शन नाइनिएटेड एंटरप्राइजेस एंड सेक्शन सिचुएशन टू एंटरप्राइजेसिएटेड एंटरप्राइजेस जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था टी सी एल होल्ड कर रहा है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो हमने जो पहली चीज करी थी वो बिल्कुल सच निकली एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एस एल इज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी एंड ट्रांजेक्शन आर

2a is satisfied or not hence the transaction in the question have to be trusted with reference to alp since gsl is not an associated enterprises hence selling price could be 12000 and cup method could be used So, जैसा कि बेटा मैंने आपको कहा कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी रहेगी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी ये केस स्टडीज कुछ नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपका इजी हो जाएगा और मैंने तो बेटा आपको पूरा ट्रांसफर प्राइजिंग असेसमेंट ही बताया हुआ है कि ट्रांसफर प्राइजिंग असेसमेंट होता कैसे है कौन से सेक्शन के बाद किस सेक्शन को पढ़ना है और कैसे वो मूव होगा राइट और अगर आपको याद नहीं आ रहा है या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार इसके स्टडी सॉल्व को देख रहे हैं तो मेरा जो ट्रांसफर प्राइजिंग का रिविजन है वो जरूर अटेंड कर लेना YouTube के ऊपर देख लेना तो जैसा कि मैंने कहा एस एल एक्स वाई और ए बी सी ये इनके प्राइस ये आर्म्स लेंथ प्राइस ये डिफरेंस तो स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे इन लैक्स 2500 जो हमने निकाला वो भी क्या आ गया एज इट इज आ गया तो सेल से जो एडजस्टमेंट हुई वो हुई 2500 लाख की ठीक है अब आते हैं रॉयल्टी वाले पार्ट पे डी इनकॉर्पोरेशन इज होली ओंड सब्सिडी ऑफ टी सी एल इज अडेंट कंपनी हेंस दे आर एसोसिएटेडेड एंटरप्राइजेस रॉयल्टी फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इट इट पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ नो हाउ बींग इंटेन्जिबल कितने का डिफरेंस था आपको याद होगा तो हम जो रिलेटेड पार्टी से ले रहे थे वो टू मिलियन डॉलर्स का था जबकि

अब हम अगर यहां पे बात करें तो आपने ट्रांजेक्शन किस पे किया है सेवन इज आर्म्स लेंथ आपने एट पे दिया इससे कम पे देते तो तकलीफ थी क्या होना चाहिए एडिशन होना चाहिए कैसे अभी देखिए इफ वन एंटरप्राइजेस लोन एंड एडवांस टू अदर एंटरप्राइजेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ फिफ्टी वन परसेंट और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं इसीलिए मैंने वहां टिक किया था टू सेवेंटी पे Book value of total assets of such enterprises, it would be deemed to be associated enterprises. As on the date, the amount of advance is 200 crore out of 330 crore, which means 60.6%. Hence, Danube's is a deemed to be associated enterprises of TCL, and interest payment is also covered by international transactions. Danube's incorporation has charged 8% and TCL has paid 16 crore. फॉर दी ended थर्टी फर्स्ट मार्च इंटरेस्ट रेट चार्ज टू दी अदर पार्टी परसेंट अब हमने अगर कर दिया, तो क्या होगा? सोच के देखिए। बाई एट दैट इज फोर्टीन करोड़ एंड देर इज एन एक्सेस पेमेंट ऑफ टू करोड़ रुपीज वि थर्टी टू पॉइंट टू पच्चीस आया सेल्स से सेवन आया रॉयल्टी से टू करोड़ आपके आए इंटरेस्ट पेमेंट से आपका टोटल ए या आपकी टोटल इनकम जिसे हम कह सकते हैं वो बना सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू करोड़ रुपीज क्या करना था कुछ नहीं सीधा सीधा आंसर था सीधा सीधा आंसर था तो जो डिस्क्लोज किया है हम उसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे इंटरेस्ट को सीधा सीधा आंसर था आंसर आपका यहां पे आ चुका है स्टेट विद रीजन टीएलसी कैन क्लेम द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइजिंग एडजस्टमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इफ सच एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइजिंग आर मेड बाय ट्रांसफर प्राइजिंग ऑफिसर आपको याद होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने क्या किया है डील किया है और हमने चैप्टर के अंदर में डील किया है सेक्शन है सेक्शन नाइनटी टू सी ए सबसेक्शन फोर 92 CA subsection 4 कहता है कि अगर करने पे आपकी इनकम को इनक्रीज किया जाता है, इसके करने से आपका किया जा रहा है तो आपके डिडक्शन बढ़ाए जाएंगे क्या आंसर इज नो हम लोग ये डिडक्शन इंक्रीज करते हैं लेकिन ट्रांसफर प्राइजिंग में ये डिडक्शन इंक्रीज नहीं होता इस बात को मैंने आपको याद रखने बोला था चेक कीजिएगा एस पर द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन नाइनटी फोर सी ए टीएलसी कैनोट यस टीपी नो टीएलसी के नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एनहांस्ड द्वेंटी फाइव करोड़ बाय अप्लाइंग टीपी एडजस्टमेंट वेयर सच एडजस्टमेंट आर मेड बाय ए टू डिटरमाइन द ए एल पी सो अगेन छोटा सा क्वेश्चन था इजीली कॉन्सेप्ट होगा तो सॉल्व कर सकते हैं चलिए राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ईच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क एमसीक्यू पे आ गए हम लोग और हर क्वेश्चन को टू मार्क आपको बहुत समझदारी से सॉल्व करना होगा ये फ्री के मार्क्स होते हैं अज्यूम टीएलसी एज एंटरमेंट ऑन सेकंड जनवरी कवरिंग ट्रांजेक्शन पीरियड फ्रॉम फर्स्ट जनवरी सॉरी फर्स्ट अप्रिल दिस वॉज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑन नाइन जैन दिस वॉज सबमिटेड टू डिपार्टमेंट ऑन नाइनटीन जैन द एनअल कंप्लायस रिपोर्ट of the assessment year shall be furnished within ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस किस बारे में बात कर रहा है आपको पता होगा जो लोग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के अंदर में आते हैं राइट उन्हें क्या करना होता है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट देना होता है सर ये कहा लिखा है आइए आइए आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है मेरे भाई आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है मैं आपको बता देता हूं और हेडिंग के साथ दिया है मैंने बाकायदा याद होगा तो हमने यहां पे शादी का प्रोसेस फॉलो किया था एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट रूल टेन ओ की बात चल रही है यहां पे और उसकी सिर्फ एक लाइन के ऊपर था उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा यार क्या बोर कर रहा है आप देख लीजिए मैंने क्लास के अंदर में एक पॉइंट भी अगर बताया ना तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है या वो आगे कहीं इंस्टीट्यूट उसको पूछ लेगा और ये आ चुका है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट थर्ड पॉइंट द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट बी फर्निश्ड इन इनप्लीकेट ऑफ ईच ऑफ द ईयर कवर्ड इन अग्रीमेंट विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम और डेज ऑफ एंटरिंग इंटू अग्रीमेंट विच एवर इज लेटर अब इस केस में अग्रीमेंट कब एंटर हुआ है उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है तो हम 90 डेज वाला क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं 90 डेज कब से काउंट करेंगे जब से अग्रीमेंट एंटर किया है अग्रीमेंट एंटर कब से किया सेकेंड जनवरी से और यहां से हमें 90 डेज फॉलो करने पड़ेंगे हेंस आंसर सी बाजू में आप लिख सकते हैं रूल टेन ओ रूल टेन ओ आप बाजू में लिख देंगे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आंसर कहां से आया है सब कुछ आपके नोट्स में दिया है अगर आप पढ़ लो ना तो ही आपका काम हो जाए नोट्स में आपके सब कुछ दिया है बस पढ़ ले मेरे भाई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस रिफर्स टू एन एंटरप्राइजेस विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन और इफ वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन सर्टन एरियाज और स्पीय फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड एरियाज और स्पियर्स मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल डिडेंड आंसर एक मिनट में आ सकता है अगर आप जाकर क्या कर लें नाइनटी टू ए पढ़ लें। नाइनटी टू ए आपसे बात करता है associated enterprises की। associated enterprises आप कब बन सकते हैं? में मैनेजमेंट कंट्रोल बताया है कैपिटल का क्राइटेरिया भी दिया है डिविडेंड का क्राइटेरिया नहीं है Hence, should be D. जैसा कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है ही नहीं हेंस द आंसर शुड बी डी इसका लॉजिक ये है रेफर करना चाहिए नाइनटी टू ए रेफर करना चाहिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आइए क्वेश्चन नंबर थ्री अज्यूम दैट टीएलसी इज टीएल इंटू अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ अ प्रोडक्ट टू मिस्टर कश्यप ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ऑफ सिंगापुर इन विच टीएलसी होल्ड फोर्टी परसेंट टीएलसी डीप इनकॉर्पोरेशन में फोर्टी परसेंट होल्ड कर रही है ठीक है the transaction between TLC and Kashyap will deem to be international transaction for transfer pricing purpose if the other parameters are met. Answer is A. क्यों मैं आपको बताता हूं इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा

ठीक है विच पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, टीएलसी कश्यप के पास गया किसके पास गया टीएलसी गया किसके पास कश्यप के पास अब मेरे भाई कश्यप रेसिडेंट हो या रेसिडेंट ना हो ट्रांजैक्शन जो इन तीनों के बीच में हो रहा है यह बाय डिफॉल्ट में क्या माना जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा तो कश्यप का ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ हो रहा है वेदर कश्यप इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डेफिनेशन आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की पढ़ लेंगे तो भी समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात चल रही है फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर प्राइजिंग मेथड अंडर नाइनटी टू सी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ए एल पी आई ए सर इसका आंसर ना आप सोते हुए भी दे सकते हैं टेन सी रूल सेक्शन नाइन्टी टू सी रीड विथ रूल टेन बी आपको बताता है कि छह मेथड है कंप्यूट करने की कॉस्ट प्लस मेथड प्रॉफिट स्प्लेट मेथड ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड रीसेल प्राइस मेथड कप मेथड राइट right, एंड जो अदर बोर्ड ने स्पेसिफाई किया इसमें कहीं पे भी अनकंट्रोल्ड प्राइस नहीं आता तो इसका आंसर दो मार्क्स फुकट के हैं दैट इज अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड द वेरिएशन परमिटेड बिटवीन द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय द एसएससी बीइंग मैन्युफैक्चरर टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन एनजेए एंड आर्म्स लेंथ सर कैसे 94 ए जाके पढ़िए आपको जवाब मिल जाएगा सर कैसी बात कर रहे हैं सच्ची हां सर नोट्स में है ये सर नोट्स में आपके सब कुछ दिया है आइए मैं आपको बताता हूं ये जवाब आपको कहां मिलेगा सबसे पहले आपको एनजेए ढूंढना होगा सर एनजे आपकी बुक में कहां लिखा है सर एनजे हमारी बुक में लिखा है एंड में टीपी के खत्म होते ही आपको एनजेए मिल जाएगा यहां पे रेंज कॉन्सेप्ट है वैसे मैं आपको बता दूं नई सेफ हार्बर रूल्स की गाइडलाइन भी आ गई है जब तक ये लोड हो रहा है तब तक के मैं आपको बता दूं नए सेफ हार्बर रूल्स के गाइडलाइंस भी आ गए हैं जो कहते हैं कि हमें ओल्ड सेफ हार्बर रूल्स ही पढ़ने हैं जिसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेफ हार्बर के ऊपर क्या आ जाएगा आपको कभी भी किसी भी टाइम एक क्वेश्चन आ सकता है कहा हो भैया जल्दी आओ सर नहीं है अरे है लाला दो तो मिनट तो रुक प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स आपको पूरा बताया हुआ है एनजेए इसका पॉइंट नंबर तीन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन है प्राइसिंग प्रोविजन शेल अप्लाई एक्सेप्ट थ्री परसेंट टॉलरेंस कैप वन परसेंट केस ऑफ होलसेल बिजनेस होता है तो अगर आप किसी भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो एनजे में है तो आपको जो थ्री परसेंट और वन परसेंट का टॉलरेंस कैप मिलता है इनकेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वो मिलने वाला नहीं है क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन आपसे बात करता है कि जो वेरिएशन है तीन परसेंट का या वन परसेंट का वो मिलेगा या नहीं मिलेगा आंसर नहीं मिलने वाला यहां पर नील सिक्स एप्लीकेंट डिजायरिंग ऑफ रूल बैक प्रोविजन ऑफ एपीए मे फर्निश द रिक्वेस्ट इन फॉर्म डैश विद पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ रूपीज डैश बहुत सिंपल है कहाँ है इसका जवाब अगेन हमने नोट्स में रखा है इसका जवाब रोल बैक को अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा और इसकी फीस क्या लगेगी दो मिनट में आपको जवाब ढूंढ के निकालता हूं सबसे पहले आपको जाना है रोल बैक को ढूंढने के लिए कि रोल बैक कहाँ दिया हुआ है रोल बैक में अगर चले जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा सो रोल बैक प्रोविजन एक पूरा डिटेल्ड हम लोगों ने कवर करा हुआ है उस टाइम जब पढ़ रहे थे तब आपको लग रहा था कि यार ये क्या बोर कर रहा होगा इतने सारे रूल्स पढ़ा रहा है जबकि कोई काम भी नहीं है मॉड्यूल में नहीं दिया था ये मैंने आपको याद दिलाया था ये देखिए सर इस पे बना हुआ क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन थ्री सीई डी ए विथ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ फाइव लैक रूल टेन एम ए इस पे बना हुआ एम सी क्यू है याद होगा तो क्लास में हमने डिस्कस भी किया था और ये है इसका जवाब थ्री सेडा एंड लैक ये है इसका जवाब और ये रहा आपके सामने प्रूफ कि क्या हम लोगों ने इन सारी चीजों को कंसिडर किया है या सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया सब कुछ कवर्ड है इन द कॉन्टेक्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एंटर्ड इन टू बाई टी एल सी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किस नेचर का होना चाहिए परचेस सेल्स लीज टैंजिबल इंटेंजिबल ये डेफिनेशन आपको देखने का मिलेगी आपको इसके लिए जाना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन के अंदर में वहां आपको कवर्ड है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लेंडिंग एंड बोरिंग की भी इसके अंदर में कवर्ड है वन टू थ्री अब विथ नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आंसर आना चाहिए डी क्योंकि वर्ड लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना कि सिर्फ ट्रांसफर प्राइजिंग इसीलिए तीनों भी कवर है चाहे वो लेंडिंग का हो सर्विसेज का हो या लीजिंग का हो बट ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल एसोसिएटेड नॉन रेसिडेंट के साथ होना चाहिए एट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर री रियापिंग फॉर रीपिंग दु शायद स्पेलिंग गलत हुई है ये रीपिंग होना चाहिए

रियल टैक्सेबल प्रॉफिट को शो करना जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट के थ्रू हो सकता है आर्टिफिशियल प्राइस डिस्टोरेशन जो अवॉइड की जा सकती है बाय स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस अग्रीमेंट हेंस इसका आंसर ऑल होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसके अंदर में आएंगे ट्रांजेक्शन रिफर्ड टू ए क्या ये कवर होता है ये एनी ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन एलिजिबल बिजनेस कवर होता है आपको बता सिर्फ ये दो cover होंगे तीसरा अमेंडमेंट था और ये कट करवा दिया गया था ये जो था डेफिनेशन से कट हो गया था और सिर्फ दो ही कवर होंगे वन एंड टू अमेंडमेंट के तहत फोर्टी ए टू बी अब इसमें कवर नहीं होता

मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग माना जाता है और 270 ए में हम लोगों ने क्लियर कट पड़ा है कि साहब 270 ए के तहत अगर ए से आपकी इंक्रीज

सिम्स एक बार आंसर देख लेना सारे के सारे कवर हुए हैं या नहीं और यहाँ हमारा केस स्टडी नाइन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है आप देख सकते हैं कि केस स्टडी जब हम लोग पढ़ते रहते हैं केस स्टडी जब हम लोग कंसिडर करते रहते हैं साहब तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग ले सकते हैं किससे पेपर से अभी भी आपको जुलाई को टाइम है इंटरनेशनल टैक्सेस के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे प्लीज देख लीजिए लेना होगा तो ले लीजिए जो बच्चे नवंबर दे रहे होंगे वो फटाफट इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर ले लीजिए बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी और मैंने आपको बता दिया कि नोट्स किस हिसाब से बनाए गए हैं इनफैक्ट हर एक चीज इसके अंदर में कवर हो जाए सो केस एट हमने कंप्लीट कर दिया यू विद स्टेटासन लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में बाय बाय एंड टेक केयर